हेलो दोस्तों, मीनू वीकेंड किचन में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल साबूदाना बड़ा, जिसके लिए हमें निम्न सामग्री चाहिए। 250 ग्राम आलू, 250 ग्राम भींगा हुआ साबूदाना जो 2 घंटे भींगो के रखा हुआ था पहले से, आधा कप भुनी हुई मूँगफली का पाउडर, 3 हरी मिर्च कटी हुई, हरी धनिया, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, कुछ काजू और फ्राई करने के लिए घी। अब इन उबली हुई आलुओं को हम मैश कर लेंगे। उबली हुई आलू मैश हो चुकी हैं। अब बड़ा बनाने के लिए इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे और इसमें अब जाएंगे भींगे हुए साबूदाना। मूंगफली का पाउडर, हरी धनिया, हरी मिर्च, अब इसमें कटे हुए काजू, नमक को मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे। अब तैयार मिक्सचर से हम साबूदाना के वड़े बना लेंगे। वड़े तैयार हो गए हैं, अब इन्हें हम सेलो फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हमने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें घी भी डाल दिया है। इन फलों को बड़ों को पलट के दूसरी तरफ भी सेंक लेंगे। उसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। दिख रहा है बड़ों का कलर चेंज हो गया है। अब ये फ्राई हो गए हैं, दूसरी साइड भी इसी तरह क्रिस्पी होने तक फ्राई करके इन्हें निकाल लेंगे। साबूदाना वड़ा बनकर तैयार है। इसे सादा ही या फिर ठंडे दही के साथ खाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मीनू वीकेंड किचन, और नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।